एवरीवन एंड जय हिंद। एसके मैथ्स मंत्रा में आपका फिर से स्वागत है और आज हम दो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इन दोनों टॉपिक से एनडीए में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अंत तक बने रहिए, चैनल पे नए हो यार तो सब्सक्राइब करो और पढ़ते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 5। लास्ट क्लास में हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में बात करी थी, जिसके अंतर्गत आपको बताया गया था कि जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का होगा वो लाई करेगा इन बिटवीन 0 एंड 2 पाई के बीच में, ठीक है। उसे हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं, जिसमें हमने ये बताया था कि अगर कोई क्वाड्रेंट सिस्टम है उस तरह से थीटा, ठीक है, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में है तो 2π-θ लेना है, अगर सेकंड में है तो π-θ लेना है, एंड अगर थर्ड में है तो π+θ लेना है। इसके बारे में लास्ट क्लास में बात हुई थी। दो क्वेश्चन इस क्लास में भी कर लेते हैं। सपोज एक क्वेश्चन है आपके पास, वो है cot थीटा इज इक्वल्स टू, अगर निगेटिव √3 दे दिया गया है, ठीक, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अगर देखिए cot थीटा निगेटिव है तो सबसे पहले डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम बना दिया आपने, ठीक। अब यहाँ cot कैसी वैल्यू दे रहा है, निगेटिव वैल्यू दे रहा है, और cot इन दो फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं और एक वो थर्ड में पॉजिटिव होता है, तो इन दोनों जगहों पे तो वो कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो यहाँ नेगेटिव दे रहा है, ठीक है, और यहाँ वो पॉजिटिव होता है। इसका मतलब 101% है वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पाया जाएगा 2π-θ में, ठीक है। अब आपको पहला वाला जो आपका प्रिंसिपल वैल्यू है वो है π-θ। अब π-θ को निकालना है, तो π-θ कितना होगा, मैंने कहा था माइनस साइन को आपको इग्नोर करना है, तो √3 कहाँ पे होता है, 30 डिग्री पे, तो इसे ही लिख सकते हैं हम π/6, ठीक है। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 5π/6 आ जाएगा। ही एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो ऐसे निकलेगा। दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, वो है 2π-θ, ठीक है। वैल्यू रखेंगे अगर आप, तो 2π-θ का वैल्यू कितना है, π/6, सॉल्व करेंगे 6 × 12 - 1 कितना आ जाएगा, 11π/6 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसके दो प्रिंसिपल वैल्यूज़ हो गए, एक तो ये वाली हो गई है और एक ये वाली हो गई है, ठीक। इसी तरह से अगर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, सेकेंड क्वेश्चन है, सपोज आपको दे रहा है 2sin θ निगेटिव ऑफ √3 अगर आपको दे रहा है, ठीक है, और इज इक्वल्स टू में 0 है और आपसे पूछता है फाइंड प्रिंसिपल वैल्यूज़ आपको निकालनी है इसकी, ठीक है, या प्रिंसिपल सॉल्यूशन कह लीजिए। तो वही प्रोसीजर है, आपको √3 को शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड में, तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो sin θ इज इक्वल्स टू आ जाएगा √3/2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो sin θ कैसी वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो फटाफट से क्वाड्रेंट सिस्टम बना लेंगे। sin θ पॉजिटिव है तो इन दो में वो पॉजिटिव होता है, यहाँ पाया जाएगा, यहाँ कभी नहीं पाया जाएगा, ठीक है। और इस क्वाड्रेंट में ये थीटा होता है और यहाँ ये π-θ होता है, ठीक है, जो मैंने शुरू में आपको स्ट्रक्चर बताया था। तो थीटा एक प्रिंसिपल वैल्यू तो हम उसे जानते ही हैं, ठीक है, 60 डिग्री पे होता है, मतलब π/3 होगा, ठीक। और दूसरा अगर हमें निकालना है तो π-θ, तो थीटा यहाँ कितना है, π/3 है, आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2π/3 आ जाएगा। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है 0 से लेकर 2π के बीच में कहाँ कहाँ पे अपनी वैल्यू अपनी रिपीट करेंगे, ठीक। ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, दो क्वेश्चन हमने यहाँ भी लगा लिए। अब बात कर लेते हैं जनरल सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शनों का जनरल सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, पहले इसका मतलब क्या होता है, इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट लिख लेते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट कहता है कि अ जनरल सॉल्यूशन इन विच अ जनरल इन्वॉल्व्स द इंटीजर्स, ठीक है, आप इसे ब्रैकेट में n ले सकते हैं, गिव्स ऑल सॉल्यूशन ऑफ
ऑल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन जिसमें एक इंटीजर इन्वॉल्व करता है जो ट्रिग्नोमेट्री के सारी वैल्यूज़ को देता है। ठीक है, अब इसको समझते हैं क्या है इसका मतलब। जैसे सपोज इवन नंबर आपके पास होते हैं, ठीक है, तो इवन नंबर आपके पास लिख रहा हूँ मैं 0, ठीक है, दूसरा लिख रहा हूँ आपके पास 2, ठीक, अगला है आपके पास 4, अगला है 6, इसी तरह से जनरलाइज करते हैं हम इसका फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, 2n बना सकते हैं। तो ये जो वैल्यूज़ हैं आपकी, ठीक है, ये 0 हो गया है आपका, ये आपका 2 हो गया है, ठीक है, ये आपका 4 हो गया, ये इनको हम पर्टिकुलर इवन नंबर बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे पर्टिकुलर इवन नंबर, ठीक है, और ये इसका जनरलाइज का मतलब इससे जनरेट होंगे, ठीक है, तो ये जनरल इवन नंबर हो गया हमारा, जनरल इवन नंबर, ठीक है, ये कहलाएगा। मीन्स अगर आप एन 0 डालोगे तो क्या आ जाएगा, 0, एन 1 डालेंगे तो 2 आ जाएगा, एन 2 डालेंगे तो 4 आ जाएगा। मीन्स इस जनरल से ही कौन बनेंगे, पर्टिकुलर बनेंगे। उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री में भी होता है, ठीक है, जैसे अगर आप इस क्वाड्रेंट सिस्टम को सीखेंगे तो देखिए यहाँ पे 45 डिग्री होता है, ये वाला 45 डिग्री है सपोज़, ठीक है। अब देखिए 45 डिग्री के बाद एक राउंड लिया, अगला राउंड लिया, तीसरा राउंड लिया, फोर्थ राउंड लिया, फिफ्थ राउंड लिया, ऐसे ये चलता जाएगा। तो अगर आप इसे देखेंगे तो सपोज यहाँ पे ये 45 डिग्री दे रहा है, ठीक है, फिर ये यहाँ पे 45 डिग्री, ठीक है, फिर वापस आएगा राउंड, अपनी वैल्यू रिपीट करेगा, ठीक है, फिर यहाँ पे वैल्यू रिपीट करेगा, फिर यहाँ पे रिपीट करेगा, फिर यहाँ पे रिपीट करेगा, ठीक है। ग्राफिकल सॉल्यूशन में भी या टाइम पीरियड में भी हम इसे सीखेंगे, ठीक है, मीन्स ये अपनी वैल्यू इस हर एक कंप्लीट राउंड के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करता जाएगा। तो हम इस चीज़ के लिए जो ये 45 डिग्री का ये सीरीज बन रहा है, ठीक है, इसके लिए हम एक फॉर्मूला जनरेट करते हैं जिसे हम जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक। तो होता क्या है, इनके लिए कुछ फॉर्मूले हैं जिनमें मैं लिख रहा हूँ। जैसे पहला है जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सॉल्यूशन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिख लीजिए आप, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जैसे बनाना चाह रहा हूँ, जो फर्स्ट सीरीज में आपके लिए बना रहा हूँ, वो बना रहा हूँ कि अगर 0 डिग्री का केस है, ठीक है, ये वाला केस है, पहले 0 डिग्री का केस पे ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस 0 डिग्री के लिए तीन जनरल सॉल्यूशन के, तीन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शनों के लिए अलग अलग केस बनते हैं, ठीक है। सपोज पहला केस है साइन थीटा इज इक्वल्स टू में 0 है, ठीक है, इसका मतलब है कि इस सीरीज को जब चलाया जाएगा, एक तो यहाँ पे 0 हो गया साइन 0 0, फिर अगली बार 2π+0, फिर 4π+0, फिर 6π+0, ऐसे इस तरह से यहाँ पूरा 0 होता जाएगा। तो हम ये जनरलाइज कर सकते हैं कि ये कहाँ पे जनरलाइज होके इसका जनरल फॉर्मूला क्या बन सकता है, वो होता है थीटा इज इक्वल्स टू में एन पाई होता है, ठीक है, और एन क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, कोई भी इंटीजर वैल्यू रखेंगे आप तो ये आपका 0 वैल्यू देगा, ठीक है। ये साइन थीटा के लिए बताया मैंने कि जब साइन थीटा आपका 0 होगा, ठीक है, सॉरी ये 0 थीटा है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से हम अगर दूसरे के लिए बनाएंगे कि सपोज आपका कॉस 0 है, तो सपोज कॉस थीटा अगर आपका 0 है तो इस केस में कॉस कहाँ 0 होगा, वो होता है थीटा इज इक्वल्स टू में 2n+1π/2, 2n+1 ऑड होता है, ठीक है, हम इसे ऐसे भी लिखते हैं ऑड पाई बाई टू, आप इसे ऐसे ध्यान रखेंगे ऑड, और 2n+1 या 2n-1 भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ध्यान रखना आपको n कैसा होना चाहिए, इंटीजर, ठीक। कॉस के लिए ये फॉर्मूला होता है, उसी तरह से आपका टेन के लिए फॉर्मूला होता है, टेन थीटा अगर 0 है तो थीटा कितना होना चाहिए, एन पाई होता है, मीन्स एन पाई पे ये हर जगह 0 होगा, आपको बस ये फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, ठीक। ये केसेस, तीन केसेस या इनके रिवर्स के लिए भी यही फॉर्मूले रहेंगे, आपको बस ध्यान रखना है कि जब 0 होंगे तो आप इन फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। अब अगर 0 नहीं होंगे, ठीक है, सपोज जो है अब ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 0 के अलावा कोई और एंगल है, ठीक है, मान लो इसके अलावा कोई भी एंगल है, तब इनके लिए क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, तो फोर्थ फॉर्मूला हो जाएगा, अगर साइन थीटा अगर आपका साइन अल्फा है, मीन्स एक्सेप्ट 0 है, इस केस में जो जनरल सॉल्यूशन होगा उसका, वो लिखा जाता है एन पाई प्लस -1 to the power n इंटू अल्फा, ठीक, एन अगेन यहाँ पे क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा। इसी तरह से हम किसका बना सकते हैं, कॉस का बना सकते हैं, अगर कॉस थीटा आपका कॉस अल्फा रहेगा
तो थीटा का जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा 2n π ± α। ठीक है, अगेन यहाँ पे भी क्या रहेगा, n आपका इंटीजर है। ठीक, टेन थीटा के लिए क्या हो जाएगा, टेन थीटा के लिए ये आपका हो जाएगा टेन थीटा, अगर कोई एंगल दे रहा है टेन अल्फा। ठीक है, एक्सेप्ट जीरो का केस है ये। तो इस केस में आपका थीटा कितना हो जाएगा, थीटा होता है n π + α। ठीक, आपको ध्यान रखना है n जो है बिलोंग करेगा इंटीजर्स को, सारे इंटीजर वैल्यू पे आप डालते जाएंगे तो ये सेम आंसर देता रहेगा। एक तो आपको ये ध्यान रखना है, उसके अलावा आपको एक और ध्यान रखना है जिसका ज़्यादातर यूज़ होता है। ठीक है, और इन तीनों के लिए एक ही फॉर्मूला भी है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अगर साइन स्क्वायर अल्फा है, या इसके अलावा अगर आपका कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में कॉस स्क्वायर अल्फा है, या इसके अलावा आपका टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में टेन स्क्वायर अल्फा है। ठीक है, इन तीनों के लिए हम एक ही जनरल सॉल्यूशन फॉर्मूला देते हैं, वो होता है थीटा इज इक्वल टू में n π, ठीक है, ±α। ये इन तीनों के लिए यूज़ होगा। ठीक है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा घुमावदार क्वेश्चन इसमें नहीं आते हैं, चाहे ग्रुप एक्स हो, चाहे NDA हो, चाहे अदर कम्पिटेटिव एग्जाम हो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार तो फॉर्मूला ही पूछा जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनके क्वेश्चनों के बारे में। ठीक, तो फटाफट से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ, कह रहा है 2 sin² x + sin x - 1 इज इक्वल टू 0। इसका हमें क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। देख रहे हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह है। ठीक है, ये देख रहे हैं एक्स स्क्वायर की तरह है, ये एक्स हो गया और ये कांस्टेंट टर्म हो गई। अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ करते हैं या कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू 2 होगा, बी का वैल्यू यहाँ कितना होगा 1, और सी का वैल्यू यहाँ -1 होगा। जिनको नहीं पता वो ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक्स इज इक्वल टू -b + √ b² - 4ac/2a। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, आप यहाँ से भी किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट निकाल सकते हैं। तो वहाँ एक्स स्क्वायर होता है तो इसलिए हम एक्स यूज़ करते हैं, यहाँ साइन स्क्वायर है तो हम क्या यूज़ करेंगे, साइन एक्स यूज़ करेंगे। ठीक है, तो साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी, बी कितना है 1 प्लस माइनस √b² कितना है 1 माइनस 4 इंटू ए कितना है 2 और सी कितना है 1। ठीक है, डिवाइड में कितना है 2 × 2 हो जाएगा, ए का वैल्यू 2 है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 4 × 2 = 8, 9 आ रहा है, मीन्स 9 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 3 हो गया, तो -1 + -3 / यहाँ 4 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक बार नेगेटिव साइन के साथ लेना है, एक बार पॉजिटिव साइन के साथ। तो जब आप नेगेटिव साइन लेंगे तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू -1 - 3/4 आएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव माइनस या -4/4, तो सॉल्व करेंगे -1। एक तो आपका ये वैल्यू मिल गई। ठीक, दूसरी वैल्यू क्या मिलेगी आपकी, जब आप पॉजिटिव लेंगे तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू -1 + 3/2। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचेगा, मतलब 1/2 आ जाएगा। तो साइन की यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ की अलग अलग प्रिंसिपल वैल्यूज़ निकलेंगी। ठीक है, और वहाँ से हम जनरल सॉल्यूशन बना सकते हैं इसका। तो सबसे पहले मैं कर लेता हूँ काम, साइन एक्स इज इक्वल्स टू -1 के लिए कर लेते हैं। तो वही सेम प्रोसीजर चलेगा, ज़रा देखना ज़रा। ठीक है, निगेटिव वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब इन दो में तो होगा ही नहीं वो। ठीक है, यहाँ होता है, यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है π + θ, और यहाँ क्या होता है आपका 2π - θ। क्लियर, ओके। तो अब पहले π + θ आपको निकालना है, थीटा कितना है, मैंने कहा था माइनस साइन को अवॉइड रखना, 1 कहाँ पे होता है π/2 पे, तो यहाँ आ जाएगा π + π/2। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3π/2 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ओके। अगला वाला क्या निकलेंगे, 2π - θ, तो 2π - θ मीन्स 2π - θ का वैल्यू π/2, सॉल्व करेंगे तो 3π/2 आ जाएगा। ठीक है, ये प्रिंसिपल वैल्यूज आ गई हैं, ओके। अब इसी तरह से साइन एक्स के लिए निकाल लेते हैं, तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू दे रहा है 1/2 दे रहा है,
ठीक है, तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है इसका मतलब इन दोनों में नहीं होगा, यहाँ थीटा होता है, यहाँ पाई माइनस थीटा होता है। ठीक, तो एक को तो आप जानते ही हैं 1/2 कहाँ पे होता है, 30 डिग्री पे, मतलब पाई बाय सिक्स हो गया। और एक को कैसे निकालेंगे, पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा कितना है, पाई बाय सिक्स, यहाँ वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5π/6 आ गया। ठीक है, तो देखिए कितनी वैल्यूज आ गई इसकी, दो उसकी आ गई, दो इसकी आई हैं। ठीक है, तो देखो जब साइन एक्स आपका -1 था, तब इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा, ठीक है, फॉर्मूला क्या बताया था इसका, एक्स इज इक्वल्स टू में n π ± 1 to the power n इंटू एल्फा, एल्फा का मतलब स्मॉलेस्ट एंगल रखना है आपको। ठीक है, तो साइन थीटा के लिए स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा आ रखा है, ये 3π/2 आ रखा है, इसको रख देना आपने वहाँ पे। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3π/2 आ जाएगा, ये पहला मिल गया। दूसरा कैसे निकलेगा, साइन एक्स इज इक्वल्स टू जब 1/2 है, ठीक है, इस केस में इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो कितना निकल रहा है आपका, कोई भी एंगल ले सकते हैं आप, स्मॉलर एंगल ले लीजिए π/6, तो कितना आ जाएगा, n π ± 1 to the power n into π/6। ठीक है, ये इनके जनरल सॉल्यूशन है, मीन्स जब आप n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखते जाएंगे इंटीजर में, तो ये तब तब आपका पाई 1/2 देते रहेंगे, इसी तरह से ऊपर वाला -1 देता रहेगा। ठीक है, यही जनरल सॉल्यूशन का प्रिंसिपल होता है। ठीक, इसी के साथ एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है, सपोज साइन 2 थीटा इज इक्वल टू आपके पास है cos 3 थीटा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको वो दे रहा है, तो ऐसा करो cos 3 थीटा को इधर शिफ्ट कर लीजिए, तो cos 3 थीटा को इधर लिख दिया है और उसको वहाँ लिख दिया है sin 2 थीटा। आप ये जानते होंगे sin 2 थीटा को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, cos कितना, π/2 माइनस का 2 थीटा। ठीक है, अभी भी ये sin 2 थीटा है, तो देखो ये cos थीटा इज इक्वल टू cos α बन गया है। ठीक है, कंपेयर करो जरा, फिर से बता रहा हूँ, cos थीटा इज इक्वल टू में cos α, अल्फा कौन है, ये पूरा अल्फा है, थीटा कौन है, ये पूरा 3 थीटा, तो आप इसे लिख सकते हैं 3 थीटा इज इक्वल्स टू में क्या होता है इसका जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला, 2n π ± अल्फा कौन है, π/2 माइनस का 2 थीटा। अब आपको इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो -2 θ है, ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ 5 θ हो जाएगा, और यहाँ क्या बनेगा, 2n π ± π/2 बन जाएगा। ठीक है, और इस 5 को आप इधर स्विच करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2n π/5, ठीक है, ±π/10 हो जाएगा। ये इस ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हो गया, मतलब n की आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डालते जाएंगे तब तब ये दोनों आपस में बराबर आ रहे होंगे। ठीक है, ये क्लियर। उसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, आपके पास एक और क्वेश्चन दे दिया गया है कि अगर आपके पास है 10 θ माइनस का cot 2 θ बराबर में 0 है, और इसका हमने क्या करना है, फाइंड जनरल सॉल्यूशन हमें इसका निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, cot θ को उधर शिफ्ट कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो cot θ को उधर शिफ्ट कर लीजिए, तो -cot 2θ हो जाएगा, तो आप इसे लिख सकते हैं 10 θ इज इक्वल्स टू माइनस का cot 2θ। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो cot को क्या लिख सकते हैं, 1/10, और यहाँ पे 10 को क्या लिख सकते हैं, 1/cot। तो जब आप रेसिप्रोकल या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकलेगा, ये निकल जाएगा आपका 10 2θ इज इक्वल्स टू में माइनस का cot θ हो जाएगा। ठीक है, आपने इसको क्या लिखना है, 1/10 2θ, और इसको भी 1/cot θ, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने, तो आपके पास ये मिलेगा। अब मुझे बताइए, अगर ये निगेटिव है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है 10 θ 10 2θ इज इक्वल्स टू में, देखिए इस cot θ को हम फिर से वही ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे, तो ऐसे लिखा जा सकता है 10π/2 - θ, ऐसे लिखा जा सकता है। देखिए ये निगेटिव बाहर आया, तो जब हम इसे अंदर स्विच करेंगे तो क्या कितना बन जाएगा, ठीक है, 10 2θ इज इक्वल टू, वो अंदर एंटर करेगा तो 10 कितना आ जाएगा, ये वाला साइन निगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ θ - π/2 हो जाएगा। क्लियर आया था यहाँ तक। अब देखिए ये बन गया फिर से 10 θ इज इक्वल टू 10α। ठीक है, 10 θ फॉर्मूला बन गया, 10 θ इज इक्वल टू में कितना बन गया, 10α। थीटा कौन है, ये पूरा है, अल्फा कौन है, ये पूरा है, तो क्या होता है 10 θ का जनरल सॉल्यूशन, थीटा इज इक्वल टू में n π। ठीक है, तो यहाँ 2 θ, तो यहाँ 2 θ लेंगे हम, n π + α, अल्फा कितना है,
थीटा माइनस पाई बाई टू है हमारा, ठीक है। ये थीटा इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इसके साथ, तो थीटा इज इक्वल टू कितना बनेगा, ये एन पाइप माइनस पाई बाई टू बन जाएगा, ठीक है। ये इसका क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन आ गया, वहाँ जहाँ पे एन बिलोंग करेगा इंटीजर को, आसान है। एक और है क्वेश्चन सपोज, ठीक है, आपको ढेर सारे क्वेश्चन करने हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं इसके, तो ये है एक्स प्लस सपोज पाई बाई फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। इसका जनरल सॉल्यूशन हमें निकालना है, ठीक है, क्या करना है, फाइंड जनरल सॉल्यूशन, हमें बताना है इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब साइन थीटा जीरो होता है तो थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, डायरेक्ट एन पाई लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्राफ की क्लास होगी, ग्राफ की क्लासेस में आपको पता चलेगा कि ये जीरो कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है, तो वहाँ आपको और क्लियरिटी आएगी, ठीक है। तो अगले पार्ट को, जो आने वाले पार्ट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हें मिस मत कीजिएगा, ठीक। थीटा इज इक्वल टू एन पाई है, तो थीटा हमारा कौन है, यहाँ पूरा है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, एक्स प्लस पाई बाई फाइव इज इक्वल टू एन पाई, ठीक है। हमें तो एक्स चाहिए, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, उधर स्विच हो जाएगा, तो एन पाई माइनस पाई बाई फाइव, ये इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। फिर से एन बिलोंग किसको करेगा, इंटीजर को, ठीक है। इसी कड़ी में एक और क्वेश्चन है, सपोज फिफ्थ क्वेश्चन है कि अगर आपका टेन टू एक्स ओवर थ्री है और यहाँ रूट थ्री दे दिया गया है और आपसे पूछ रहा है फाइंड जनरल सॉल्यूशन, आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो डायरेक्ट ये हो जाएगा कि टेन टू एक्स ओवर थ्री, मुझे बताइए रूट थ्री कहाँ पर होता है, टेन, ठीक है, 60 डिग्री पे, तो आप ये कह सकते हैं टेन पाई बाई थ्री, ठीक है। अब देखो ये बन गया टेन थीटा इज इक्वल टू टेन एल्फा, तो अगर ये बन गया तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट टू एक्स बाई थ्री इज इक्वल टू में एन पाई प्लस एल्फा, एल्फा कौन है हमारा, पाई बाई थ्री है, ठीक है। तो टू बाई थ्री को उधर स्विच करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये थ्री एन पाई ओवर टू प्लस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पाई बाई टू, ये इस ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के लिए आपको पाथ फाइंडर या एनडीए की आरएस अग्रवाल वाली बुक लगानी है आपको, ठीक है, या जो भी आपने मैथ्स की बुक खरीदी है उससे आपको लगाने, उससे आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। तो जो आपको क्वेश्चन ट्राई करने हैं, एक दो क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, ट्राई इट नाउ, पहला क्वेश्चन आप कीजिएगा, अगर आपसे हो गया तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा यस। तो सपोज टेन टू थीटा इंटू टेन थीटा दे रहा है, ठीक है, इज इक्वल्स टू वन, एक तो ये है, दूसरा है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू वन बाई फोर है, ठीक है। तो आपको इन दोनों के जनरल सॉल्यूशन मुझे बताने हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अगर आप आंसर पोस्ट कर सकते हैं तो वहाँ लिख सकते हैं, या आप यस लिख के बताइएगा कि हो गए हैं, ठीक। अब आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक के ऊपर जो रिलेटेड है जनरल फॉर्म ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मतलब ये हो गया कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जनरल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। उस जनरल फॉर्म से हम तीन नई चीज़ें सीखेंगे जिससे एक क्वेश्चन हर साल, ठीक है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो जो जनरल फॉर्म होती है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वो होती है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू में ए, ठीक है, यहाँ पे कोई ट्रिगो फंक्शन आएगा, यहाँ होता है बी एक्स माइनस का सी प्लस का डी, ये पैटर्न आपको ध्यान रखना है, ए ट्रिगो फंक्शन, यहाँ पे कोई ट्रिगो आएगा, ठीक है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री आ सकता है बी एक्स माइनस सी प्लस का डी, और बाकी जो यहाँ ए बी सी डी लिखे गए हैं, ए बी सी डी ये कैसे होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, ये कैसे होने चाहिए, कांस्टेंट आपके होने चाहिए, ठीक है। आपको एक और बात ध्यान दिला दूँ, आपने या आपको बताया भी गया होगा, ठीक है, पहली बात बता देता हूँ कि साइन एक्स या कोसेक एक्स आपका हो गया, ठीक है, इसके अलावा कॉस एक्स और इनका, इसके अलावा सेक एक्स, इनका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 पाई या हम उसे कह सकते हैं 360 डिग्री, ये लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस करा था। उसके अलावा जो दूसरा होता है ये है टेन एक्स या कॉट एक्स, ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड होता है वो पाई और 180 डिग्री होता है, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है, ये 180 डिग्री होता है।
अब ये टाइम पीरियड क्या है, कैसे ये 2 पाई आया, ठीक है, ये सारी जो है अब आने वाली क्लासेस में आपको सीखने को मिलेगा। किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का हम टाइम पीरियड पता कर सकते हैं, ठीक है। तो तीन बेसिक टर्म हम यहाँ सीखने वाले हैं, जिसमें पहली जो टर्म है वो है एम्पलीट्यूड, ठीक है। पहली वाली टर्म है एम्पलीट्यूड, ठीक है। जो दूसरी टर्म हम यहाँ सीखेंगे वो है टाइम पीरियड, जिससे क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, टाइम पीरियड। और थर्ड हम सीखेंगे इससे फ्रीक्वेंसी, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, ठीक। अब सबसे पहले आता है आपके पास एम्पलीट्यूड। तो जो पहला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, ठीक है, क्या होता है इसको देखिए जरा, ठीक है। पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट लिख लेते हैं। एम्पलीट्यूड इज द मेजर ऑफ डिस्टेंस ऑफ पीक्स एंड ट्रफ, TROUGHS, ठीक है, ट्रफ, फ्रॉम द मिडिल, क्या बला है इसको सीखते हैं, क्या ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड का सीधा अगर इसका फिजिक्स से रिलेट करके ना देखें, ये फिजिकल थोड़ा सा थ्योरी बता दी मैंने, अगर आप इसे मैथमेटिकली देखेंगे तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है इसका, मतलब किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के मैक्सिमम और मिनिमम कैसे होते हैं उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है, एम्पलीट्यूड, ठीक है, इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये कैसा होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो द एम्पलीट्यूड इज द मेजर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पीक्स एंड ट्रफ फ्रॉम द मिडल। अब क्या है ये, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, देखिए जरा, देखो अगर आप किसी भी कर्व को बनाते हैं, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, सपोज मैंने ये कर्व बना दिया, ठीक है, तो देख रहे होंगे आप ये कहीं ना कहीं, ठीक है, मैं इसको इस तरह से बना देता हूँ, तो देख रहे हैं यहाँ कहीं ये पीक पॉइंट ले रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये इसका पीक है, यहाँ ये इसका पीक है, यहाँ ये इसका पीक दिखा रहा है, यहाँ ये एकदम से पीक दिखा रहा है, यहाँ ये पीक दिखा रहा है, और यही पीक आपका क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है भाई, क्लियर हो गया आप, यही पीक इसका क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है। बाद में इसमें कैलकुलस के अंदर भी हम इसे जब पढ़ेंगे तो वहाँ इसका कुछ और नाम हो जाएगा, ठीक है यही चीज़, ठीक, ओके। तो ये जो बेसिकली दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो बेसिकली यूज़ होगा वो साइन एक्स और कॉस एक्स के लिए होगा, ठीक है, साइन एंड कॉस के लिए यूज़ होगा, क्योंकि बाकी के ग्राफ इस तरह के पीक के नहीं बनते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल कर लेते हैं, सपोज एक एग्जाम्पल आपके पास है, जैसे आपने पढ़ा भी होगा, मान लो आपके पास दे दिया गया है वाई इज इक्वल्स टू में साइन एक्स है, ठीक है, इसका मुझे क्या बताना है, फाइंड एम्पलीट्यूड बताना है। अब ये एम्पलीट्यूड वर्ड आपके लिए नया लग रहा है, एक्चुअली में ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को ही दिखा रहा है, ठीक है। तो देखिए अगर आप जानते होंगे तो जो कोफिशियंट होता है, ठीक है, जो इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो कोफिशियंट होगा वही उसका क्या कहलाएगा, आपका एम्पलीट्यूड कहलाएगा, जो इसकी जनरल फॉर्म हमने आपको बताई थी वो बताई थी वाई इज इक्वल टू में ए, यहाँ बताया था, मान लो इसको इस तरह से लिख लेते हैं साइन, ठीक है, और यहाँ पे बी एक्स माइनस का सी प्लस का डी, ऐसे बताया था मैंने, तो ये साइन एक्स का जो कोफिशियंट होगा यही इसका एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव होगा तो एम्पलीट्यूड को मॉड में ऐसा लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो जरा इसका कोफिशियंट कितना है, 1 है, ठीक है, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड 1 आ जाएगा, और आपको पता भी है कि साइन एक्स के मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, जब इसका ग्राफ बनता है इस तरह से कि इसका ग्राफ बनता है तो ये पीक वैल्यू कितनी लेता है, 1 लेता है, ठीक है, डाउनवर्ड में -1 होती है इसकी, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। इसी तरह से एक और आप कर सकते हैं, सपोज आपको दे दिया गया है वाई इज इक्वल टू में 3 cos 4x आपको दे दिया गया है, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, तो एम्पलीट्यूड ऑफ दिस फंक्शन कितना हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा कोफिशियंट ऑफ cos 4x कितना है, 3 है, ये इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर, ओके। अभी हम आने वाले टाइम में इस पर क्वेश्चन भी करने वाले हैं, ठीक है,
अब दूसरा टॉपिक है हमारा टाइम पीरियड। ये है आपका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का क्या मतलब है? ठीक है, तो पहले डेफिनेशन पे चल लेते हैं। टाइम पीरियड इज द हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल विड्थ ऑफ अ सिंगल साइकिल, और हम वेव भी कह सकते हैं उसे, वेव। ठीक है, ठीक है। टाइम पीरियड इज द हॉरिजेंटल विड्थ ऑफ द सिंगल साइकिल और वेव। इसको दूसरी डेफिनेशन पे भी मेरे को लग रहा है बताना चाहिए। ठीक है, सिंपल भाषा में द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स बिफोर इट रिपीट्स। मीन्स अगर कोई कर्व जब तक डिस्टेंस कवर कर रहा है, अगर वो अपनी वैल्यू रिपीट करना चालू कर दिया, ठीक है, तो जहाँ तक उसने एक स्पेसिफिक कर्व ऑक्यूपाई करा है वो उसका टाइम पीरियड है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, सपोज ये कोई कर्व है, इस तरह से मूव हुआ, फिर इस तरह से मूव हुआ, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर इस तरह से, और ऐसे ही ये चलता गया। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो स्पेसिफिक कहाँ से कहाँ तक मूव हुआ है, यहाँ से यहाँ तक मूव हो रखा है, बाकी तो इसका क्या चल रहा है, रिपीटिशन चल रहा है। तो यही इसका क्या कहलाएगा, हमारा टाइम पीरियड कहलाएगा। ठीक है, ये इसका टाइम पीरियड कहलाएगा। अब आपको इसमें काम की बात ध्यान जो रखनी है वो ये है, क्लियर हो गया यहाँ तक, ये टाइम पीरियड क्या है। बाकी ग्राफ तो क्या चल रहा है, इसी का रिपीटिशन चल रहा है। तो अगर आपका साइन एक्स है या कॉस एक है, एक्स है या आपका कॉस है या आपका सेक है, तो इनका टाइम पीरियड कैसे निकालना आपने, टी इज इक्वल्स टू में 2π/b। ठीक है, अब ये b कौन है, जो जनरल सॉल्यूशन में मैंने बताया था ये, ठीक है, ये इसका b होता है। ठीक, उसी तरह से दूसरा कौन रहेगा आपका, वो रहेगा आपका टेन हो गया, और यहाँ है आपका कॉट है। ठीक है, तो इसके लिए जब जब टाइम पीरियड आप निकालेंगे तो वो होता है π/b होता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। एक तो ये हो गया है टाइम पीरियड, अभी क्वेश्चन भी करने वाले हैं हम। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी, हमारा अगला टाइटल है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है इसको सीख लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन पे आते हैं तो सीधी डेफिनेशन हो जाएगी, रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल को ही हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हम बोलेंगे। ठीक है, अब ये भी कह सकते हैं हम कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यहाँ से जनरेट हो गया एक प्रकार से। अगर हमको टाइम पीरियड पता चल गया किसी भी फंक्शन का तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/ में टाइम पीरियड हो जाएगा, ये इसका फॉर्मूला हो गया एक प्रकार से। ठीक है, दूसरे शब्दों में, ठीक है, ये साइन और कॉस के लिए ही यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, कोसाइन के लिए या कॉस के लिए। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं साइकिल पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड। अब इसका मतलब देख लीजिए पहले, साइकिल पर सेकेंड का मतलब ये होगा कि एक सेकेंड में ये कितनी साइकिल चल रहा है, या एक सेकेंड में ये कितने राउंड ले रहा है, एक प्रकार से ये कह सकते हैं, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चनों पे। क्वेश्चन हमको सिखाएंगे कि डेफिनेशन किस तरह से काम करेंगे। तो सपोज आपका पहला क्वेश्चन है y इक्वल्स टू में है 4 sin, ठीक, यहाँ है 2x माइनस का 3π/2। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ सपोज 3 है, और हमें जो फाइंड करना है, फाइंड आपको पहला निकालना है, एक तो आपको एम्पलीट्यूड निकालना है, दूसरा आपको टाइम पीरियड निकालना है, और थर्ड आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में तीनों को करवा देते हैं। ठीक, तो अगर आप उसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी इसकी, वाई इज इक्वल टू में ए साइन बी एक्स, ठीक है, माइनस का सी प्लस का डी। वहाँ से आपको ए का वैल्यू कितना मिलेगा, ए का वैल्यू ज़रा कंपेयर कीजिए, 4 आएगा, बी का वैल्यू आपका 2 आएगा, सी का वैल्यू -3π/2 आएगा, और डी का वैल्यू आपका 3 आएगा। ये वैल्यूज़ आ गई। अब आप आ जाते हैं फटाफट से, तो एम्पलीट्यूड निकालने के लिए क्या कहा था आपको, एम्पलीट्यूड का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड या मॉड ऑफ ए। ए कितना है 4, तो मॉड ऑफ 4, और मॉड ऑफ 4 कितना होता है 4,
ठीक है, मतलब इस फंक्शन की एक प्रकार से मैक्सिमम वैल्यू 4 होगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास आ गया कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, तो आप बता सकते हैं डायरेक्ट 4 होगी। जब इस कर्व को बनाया जाएगा तो ये 4 यूनिट अबव ऊपर जाएगा, 4 यूनिट बिलो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर आपको टाइम पीरियड निकालना होता, तो टाइम पीरियड के लिए क्योंकि ये साइन है, तो टाइम पीरियड के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बताया था मैं, 2π/b, ठीक है। तो 2π b का वैल्यू कितना है, 2, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, पाई। इसका मतलब पाई राउंड के बाद या पाई साइकिल के बाद ये अपनी वैल्यू क्या करेगा, रिपीट करेगा, ठीक है। इस कर्व का रिपीटिशन जो है पाई की टाइम पीरियड के बाद होगा। और उसी तरह से अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी होती कि 1 सेकंड में कितने साइकिल ये चलेगा, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का फिलहाल एफ से दिखा दीजिए, 1/ में टाइम पीरियड, ठीक है। तो 1/ टाइम पीरियड कितना है, 1, मतलब 1 सेकंड में ये 1/π साइकिल घूमेगा। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ, ठीक। एक और क्वेश्चन करेंगे, सपोज एक क्वेश्चन और है आपके पास, आपको ये दे देता y इज इक्वल्स टू में 4 10, यहाँ दे देता 2x माइनस का 3π/2, ठीक है, इसको मैंने 10 में कन्वर्ट कर दिया है बस, और यहाँ प्लस का 4 दे देता और आपसे पूछता, ये आपसे वही चीज़ें पूछता, एम्पलीट्यूड एक तो पूछा जाता, दूसरा आपसे टाइम पीरियड पूछा जाता, तीसरा आपसे इसकी फ्रीक्वेंसी पूछी जाती, ठीक है। तो जिस जिस एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट है वो इस तरह से सीख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से फ्रीक्वेंसी एनडीए में नहीं आती है, बट एम्पलीट्यूड और ये टाइम पीरियड पूछा जाता है, ठीक। ओके, तो अगर आपको इसका एम्पलीट्यूड निकालना, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, वाई इज इक्वल्स टू में कितनी थी ए, यहाँ आ जाएगा 10, इधर कितना लिखा था, bx माइनस का c प्लस का d। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना निकलेगा, 4, बी का वैल्यू कितना निकलेगा, 2, सी का वैल्यू कितना निकलेगा, 3π/2, ठीक है, ये क्योंकि खुद कैसा है, माइनस है, वो भी माइनस है, और डी का वैल्यू कितना है, 4 है यहाँ। अच्छा, अब आते हैं सबसे पहले एम्पलीट्यूड क्या होगा इसका। तो एम्पलीट्यूड होगा इसका, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या बताया था, मॉड ऑफ ए, ए कितना है, 4 है, तो मॉड ऑफ 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आते हैं इसके टाइम पीरियड, टाइम पीरियड में मैंने क्या बोला था, क्योंकि 10 है तो 10 का टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, 2π/b, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, पाई बाई बी होता है, ठीक है। तो पाई बाई बी, बी का वैल्यू कितना है, 2, ठीक है, मींस पाई बाई 2 हर 90 डिग्री के बाद ये कर्व अपने आप को रिपीट करना चालू करेगा, ठीक है। और उसी तरह से अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/ में टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड कितना है, 1/ में पाई बाई 2, सॉल्व करेंगे तो 2π/2π आ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको, उम्मीद है आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर तब भी उसके बाद कोई डाउट आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे एक उस क्वेश्चन को कर लेते हैं जिसके बारे में आप जानते हैं, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जिसको आप जानते हैं, जिसका टाइम पीरियड आप जानते हैं। सपोज मैं आपको दे दूँ cos x, इसका आपको टाइम पीरियड निकालना सपोज, ठीक है। दूसरा एक और आपको निकालना है, इसका एम्पलीट्यूड निकालना है मान लो, ठीक है। तो चलो ऐसा करते हैं, फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेते हैं फिर, तो ठीक है। तो देखिए, अगर टाइम पीरियड निकालना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे लिखेंगे आप, वाई इज इक्वल्स टू में ए, यहाँ लिखा जाएगा cos bx माइनस, क्योंकि सी तो है नहीं, तो 0, डी भी कितना है, 0 है। अगर आप यहाँ कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू आपको 1 मिलेगा, बी का वैल्यू भी आपको 1 मिलेगा, सी का वैल्यू 0 मिलेगा, डी का वैल्यू भी आपको 0 मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप निकालेंगे टाइम पीरियड, तो क्योंकि ये कॉस है तो कॉस का टाइम पीरियड निकलता है 2π/b, ठीक है। तो b का वैल्यू कितना है, 1, तो कितना आ गया, 2π। वैसे भी आपको पता था cos का टाइम पीरियड कितना होता है, 2π आ गया, देखो। उसी तरह से अब है आपका फ्रीक्वेंसी, आपको निकालनी है, एम्पलीट्यूड नहीं निकाला अभी ना मैंने, चलो पहले इसको इसी को कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब 1/ टाइम पीरियड, तो 1/2π आ जाएगा इसका टाइम पीरियड, ठीक है। और आखिरी में आप इसका निकाल सकते हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम वैल्यू। तो वैसे भी अगर आपको थोड़ा सा ग्राफिकल अप्रोच पता होंगे, तो कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, 1 है, तो एम्पलीट्यूड वाई इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए कितना आ जाएगा, 1, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी आ गई है, 1 आ गई है। क्लियर हुआ, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा,
ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो इम्पोर्टेंट होंगे क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन एनडीए से डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है, और आसान तरीके से भी हम उनको सीखेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।